नमस्कार दोस्तों, ओम गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इन दो दिनों में दोस्तों, किस प्रकार से आपके जीवन में चार बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, इस बात को बिल्कुल भी गलत समझने की गलती मत करिएगा। हम ये जानकारी केवल आपकी सावधानियों को ध्यान में रखकर बना रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोग आपके पीछे पड़े हैं, कोई अपना सगी संबंधी, यहाँ तक कि कोई आपका परम मित्र भी हो सकता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन है, तो आप इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कई बार जीवन में ऐसे लोगों का सामना हो जाता है जिनके वो आप नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ हैं। आप लोग कभी किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ना जाने वो कहाँ से लोग आते हैं जो आप लोगों को बहुत ही तुच्छ प्राणी समझने की गलती कर देते हैं। ऐसे लोग आपके आसपास भी हो सकते हैं। इन लोगों को हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इनसे सावधान रहिए और आज की इस वीडियो को बिल्कुल एकांत में देखिएगा, नहीं तो आप घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दें। क्योंकि ये दुश्मन को यदि खास बात पता लग गई तो ये आपके लिए बहुत ही समस्या खड़ी कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए ये बात आप सभी को बताना चाहूंगी कि जो लोग आपको धोखा देने वाले हैं, वे लोग आप लोगों के सामने अपनी असलियत खुद रखने वाले हैं। ये लोग जब आपके आसपास होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नया नकारात्मक परिवर्तन आप लोगों के जीवन में कब हो जाए, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं हो पाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना, कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, जिसमें ऐसी ही खास जानकारियों के बारे में आपको पता लग सके और आप जान सके कि आपको इन दिनों में किन चीजों को लेकर सावधान रहना होगा, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होने वाले हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं दोस्तों जिन्हें करने मात्र से आपके जीवन में तीन बड़े परिवर्तन होते हुए नजर आए और आप लोग अपने जीवन में कुछ नए कार्य भी कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं सबसे पहले आपकी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में, जो इन दो दिनों में आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखनी होंगी। दोस्तों, इस समय ज्यादा शौक ना करें, पैसों को आने वाले समय के लिए जरूर बचाएं, क्योंकि दोस्तों पैसा ही सब कुछ होता है। दोस्तों, पैसों से जिंदगी को भी बेहतर बनाया जा सकता है और सभी इच्छाओं को भी पूरा किया जाता है। दोस्तों, इन सब बातों को आप अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा ध्यान से रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, जिससे दोस्तों आप लोगों का भी मन खिन्न रहने वाला है। दोस्तों, घर में अब शांति और सुकून भरा माहौल देखने को मिलेगा। यूं कहें तो दोस्तों, घर स्वर्ग जैसा बनने वाला है। भाई बहन का रिश्ता और ज्यादा गहरा होने वाला है। दोस्तों, भाई बहन की अगर हर घर चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों, कुछ इस तरह के कार्य होने वाले हैं जिससे कि आपका मान सम्मान बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको बता दूं, जिसका आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो चीज की प्राप्ति अब होने वाली है। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं, आप लोग बहुत दिनों से विदेश जाने के बारे में सोच रहे थे, दोस्तों अब वे यात्रा करने का भी समय आने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी अब दिल खोल करके शुरू कर दीजिए। यहीं पर ही दोस्तों, यदि बात की जाए प्रेमी जोड़ों के बारे में, जो वर्षों से दोस्तों प्यार करते आ रही हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, अपने प्यार का इजहार कर सकती हैं और आने वाले 9 वर्ष के बाद में दोस्तों, आप लोग शादी के बंधन में भी बन सकते हैं। और दोस्तों, इस समय आप लोगों के ऊपर महादेव का आशीर्वाद बना हुआ है और आप लोग अपना वैवाहिक जीवन का आनंद अब ले पाएंगे। संतान की इच्छा प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों, इस समय माता रानी के दरबार में जरूर जाएं, उनकी पूजा और आरती जरूर करें, जिससे कि दोस्तों माता रानी आप लोगों की जल्दी ही मनोकामना पूर्ण कर दे। वहीं पर ही दोस्तों, जिन लोगों के बच्चे अभी पढ़ाई क्षेत्र में हैं, वे दोस्तों अपनी पढ़ाई से आप लोगों का दिल जीतने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों परीक्षा में भारी मार्क से वे उत्तीर्ण होने वाले हैं। समय बहुत ही ऊर्जावान है, बलवान है,
इस समय में किसी भी कारण आप अपनी ऊर्जा के साथ में कार्य करिए। यहीं तक कि दोस्तों अपना कार्य काफी अच्छे से संपन्न भी होगा और दोस्तों कार्य क्षेत्र में भी आप लोग किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी को अपशब्द ना कहें जिससे कि दोस्तों आप लोग परेशान हो सकते हैं। माता पिता का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि दोस्तों माता पिता की वजह से ही आप लोग अपने जीवन में आए हैं। दोस्तों इसका दिन रात आपको शुक्रिया अदा करना है, धन्यवाद करना है जिनकी वजह से आप लोग इस संसार का सुख मिल पाया है। और दोस्तों इसके साथ ही अब भाई के साथ में आप लोगों का कोई ना कोई बड़ी डील हो सकती है जिससे कि दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है। मोबाइल पर कोई ऐसी सूचना मिल सकती है जो कि दोस्तों आप लोगों को किसी कंपनी में पैसा निवेश करने के लिए कर सकती है। किंतु दोस्तों आप लोग अपने बड़े बुजुर्गों से या फिर किसी सलाहकार से भी सलाह लेने के बाद में ही निवेश करें, अन्यथा दोस्तों आप लोगों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी हो सकती है। तो दोस्तों बेहद ही सावधान रहें। इस समय आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ भी होगा और दोस्तों बहुत ज़्यादा हानि होने की भी संकेत है, तो ऐसे में किसी भी कार्य को दिखावे के लिए ना करें। दोस्तों ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा ना करें क्योंकि दोस्तों आपकी आर्थिक स्थिति एक बार डगमगा भी सकती है। तो दोस्तों इन सब बातों को ज़िंदगी में बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखें। पैसों को कभी भी दोस्तों बर्बाद ना करें क्योंकि समय बार बार नहीं आता है। दोस्तों ईश्वर मौका केवल एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ ज़रूर उठाएं। और दोस्तों आपको 24 घंटा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है, क्या पता कब आपको ईश्वर क्या बड़ा संकेत दे दे। नौकरी में कार्यरत लोगों को इस समय प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आपका दुश्मन आपसे बार बार लड़ाई झगड़े की स्थिति बनाता है, तो उससे आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो वह एक नया षड्यंत्र आपके लिए रच सकता है। इन दिनों में दोस्तों आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छी तरह से बना हुआ है, इसलिए दोस्तों थोड़ा खास अपने आप को थोड़ा संभालने की आवश्यकता है जो कि दोस्तों आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। इसके साथ ही दोस्तों हर किसी को ईश्वर मौका एक ही बार देते हैं, उस मौके का लाभ उठाने की कोशिश करिए। दोस्तों कोई नई खोज पर निकल सकते हैं, हालांकि इंटरनेट का ज़माना अब आ गया है तो मोबाइल पर ही पढ़ना लिखना ज़्यादा पसंद हो गया है, लेकिन दोस्तों वहीं पर ही मोबाइल से कुछ नुकसानदायक स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इन सब बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। और दोस्तों इस समय आपको बता दें कि कोई नया रिश्ता आ सकता है जिसको आप अपना भी सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की इच्छा अब पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि दोस्तों जो बहुत दिनों से वर वधु की तलाश में निकल रहे थे उनकी अब तलाश पूरी होने वाली है। कुल मिला के दोस्तों आपका दिन थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा रहने वाला है।